इसराइल पर हमला करता है या इसराइल ईरान पर हमला करता है, तो हम ईरान की मदद के लिए आएंगे और अपना शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ईरान को मदद के लिए देगा। पाकिस्तान दे रहा मिसाइल ईरान को, जाओ यहूदियों को मारो शाहीन मिसाइल। वो पाकिस्तान जिसके खाने का पैसा नहीं, रात का ठिकाना नहीं, उनकी औरतों को छीनी, अपने क्या बताऊं। ईरान को हम असला सप्लाई कर रहे हैं ये कहना है अपना इसराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है। भाई पूरी दुनिया को अमेरिका भी असला सप्लाई करता है, सारे बेचते हैं। वैसी में बात हुई है, पाकिस्तान अपना शाहीन मिसाइल दे रहा है ईरान को। वेयर आर द ज्यूज मिस्टर इजरायली एम्बेसडर, वेक अप, आई एम सेइंग यू इन इंग्लिश। Pakistani is going to give this Shaheen missile to Iran to be used against Israel. So then Israel jump कर सकता है और Israel बहुत सारी technical assistance, surveillance, drones, बहुत कुछ इंडिया को दे सकता है और वो हम इंडिया की हेल्प भी कर सकता है इन एवरीथिंग। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहाँ पैसों पे गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें चाहे अमेरिकन दे दें। ये बेसिकली इंडियन लॉबी अक्सर ये तासुर देना चाहती है या लिंक करना चाहती है कि जनाब पाकिस्तान ईरान को असला दे रहा है, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा असला इसराइल को बेच रहा है। अब कहा जाता है कि ईरान बैक्ड ये एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी को टारगेट किया था एक ड्रोन स्ट्राइक में इराक के अंदर, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जॉन बोल्टन को भी मारना चाहते थे और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस वक्त NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उस वक्त सदर थे। ये ईरानी जो है ये जो काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिक्रूट करो, वहां से वीजा लगवाओ, वहां जाके आगे बंदा मारो, खुद तो अपने घर में वो इस्माइल हानिया को सेव नहीं कर सके और बंदा भेज दिया है अमेरिका के जाओ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला कि जाओ वहां पे जाके तुम मारो। ये जो ईरान की नाकामी और कमजोरियां हैं इस तरह में, और ये प्रोफेशनल नहीं लगते हमें। और आपको पता है इससे पहले तार साहब मैं आपको बताऊं कि जो सीरिया के अंदर जो जंग हुई है उसमें दो एक ब्रिगेड्स थे जैनबियून एंड फातिमियून के नाम से, ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट इन्होंने पहले भी पाकिस्तान से की है जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज रहते हैं। ये जो फैक्टर है ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो कमजोर हो रही है या पाकिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर जरा थोड़ा कमेंट कर दें अगर। चीमा साहब हो सकता है पाकिस्तानी सस्ता मिल गया हो, देखिए ना, देखिए इसमें एक तो सब जगह फैक्टर ये हो सकता है ना, किसी और जगह से लोग पकड़ते तो उससे पैसे ज्यादा मांग रहे होंगे, थोड़े 5-6 हजार डॉलर लिखो थोड़े पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी याद रखे इसमें हो सकता है 300 रुपए का डॉलर जो है पाकिस्तान में रेट, उसका भी एक फैक्टर हो। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो, अपने जर्नेलों की करतूतें देखो, एंड नेवर सेलिब्रेट। इस आसिम मुनीर को जब तक ठिकाने नहीं लगाता है मोसाड, या आसिम मुनीर Most probably is on Mossad street, that's what my sources tell me. जब तक इसको ठिकाने नहीं लगाया जाएगा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। जय हिंद दोस्तों, तो जज्बे को सलाम करना पड़ेगा पाकिस्तान के को, क्योंकि इन्होंने एक खुले मंच से बयान दिया है कि यदि इसराइल हमला करता है ईरान पर तो वो ईरान की मदद करने के लिए तैयार हैं और उसे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल देंगे जिससे वो इसराइल पर हमला कर सके। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश के पास टैंकों में डालने के लिए ऑयल नहीं है, जिस देश के पास 2-3 दिन तक अगर युद्ध होता है तो उसमें 2-3 दिन से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स जानते हैं और ये सिर्फ पाकिस्तानियों को छोड़कर सबको पता है कि जब युद्ध होता है तो एक एक दिन में हज़ार हज़ार करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं एक एक दिन में, ये नॉर्मल ही है। और जिस पाकिस्तान के पास 1 बिलियन के लिए वो तरस रहा हो, उतना भी पैसा ना हो, वो इस तरह की धमकी इसराइल को दे रहा हो तो इससे पता चलता है कि इनकी लीडरशिप कैसी है। मतलब जो व्यक्ति किसी गांव का सरपंच बनने के लायक ना हो वो इनकी लीडरशिप संभाल रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं मतलब, क्योंकि इन्हें यही पता नहीं है कि किस मंच से क्या बोलना है। अब आप बताइए कि जो इसराइल ईरान के अंदर स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है उसे पाकिस्तान कितना है। अगर देखिए उनकी नीति रही है कि यदि उनके लिए कोई खतरा बन रहा है, खतरा मतलब उसने पैदा नहीं किया सिर्फ बन रहा है तो उसे पहले ही नष्ट कर देते हैं। आप देखिए कितना बड़ी चूक उनसे हुई थी अभी गाजा पट्टी में, लेकिन गाजा पट्टी को सपाट कर दिया ना उन्होंने, खंडर बना दिया वहाँ, आने वाले 100 सालों तक फिर से वो गाजा पट्टी खड़ा नहीं हो पाएगा, हमास का तो उन्होंने सफाया ही कर दिया। तो उस इसराइल को पाकिस्तानी धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ईरान को मिसाइलें देंगे। अब इनको ये पता नहीं है कि आप ईरान को मिसाइलें तो दे दोगे लेकिन वायु उनकी वायुसेना ईरान के साथ साथ आपको भी टारगेट करेगी, ठीक है। उनके उन पर हुए हमलों को तो वो आयरन डोम के
बदौलत 80-90% रोक लेंगे, लेकिन अगर वो हमले करेंगे ना तो आप एक भी हमला रोक नहीं पाओगे। और वो सीधा सीधा लीडरशिप को टारगेट करते हैं, वो भारत नहीं है, वो इसराइल है। ये बात शायद ही भूल गए। देखिए, जब जोश जोश में ऐसा ही होता है, वो जानते हैं भारत को हम धमकी दे रहे हैं तो इसराइल क्या चीज़ है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इसराइल इसराइल है। तो चलिए, पाकिस्तान का मीडिया आगे और उस पर क्या रिएक्शन देता है वो देखते हैं। इसी में बात हुई है, पाकिस्तान अपना शाहीन मिसाइल दे रहा है ईरान को, वेयर आर द ज्यूज? मिस्टर इजरायली एम्बेसडर, वेक अप, आई एम सेइंग यू इन इंग्लिश, पाकिस्तानी इज गोइंग टू गिव दिस शाहीन मिसाइल टू ईरान टू बी यूज्ड अगेंस्ट इजरायल। वीर वही बात, अब बोलोगे क्या रिश्ता है तेरा मेरा, क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको खुल के बोलता हूं सर, यहां कोई भी किसी से तार जोड़ देगा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। अजरबैजान का भी वही रिश्ता, ईरान दे रहा है मिसाइल, पाकिस्तान दे रहा है मिसाइल ईरान को, जाओ यहूदियों को मारो शाहीन मिसाइल। वो पाकिस्तान जिसके खाने का पैसा नहीं, रात का ठिकाना नहीं, उनकी औरतों को चीनी अपने, क्या बताऊं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बना के रखते हैं, और ये लोग मिसाइल बेचने का धंधा कर रहे हैं। इस आसिम मुनीर को जब तक ठिकाने नहीं लगाता है मोसाड, या आसिम मुनीर मोस्ट प्रोबब्ली इज ऑन मोसाड स्ट्रीट, दैट्स व्हाट माय सोर्सेस टेल मी, जब तक इसको ठिकाने नहीं लगाया जाएगा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। और हमें भी कुछ करना पड़ेगा सर, सारा मोसाडी करेगा क्या, सारे यहूदी करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें हम हमारा लड़ाई लड़ने का इसराइल आएगा क्या, मोसाड आएगा? और गंजा जिहादी आपका बहुत एक्टिवेट हो गया है, गंजा जिहादी अभी यूरोप में है, गंजा जिहादी एक्टिवेट हो गया, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं वो, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड ट्रंप्स कैंप टू सम एक्सटेंट, और कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, और आईएसआई गंजे जिहादी को यूज कर रहा है टू क्रिएट दिस सम काइंड ऑफ अ फियास्को। सो पाकिस्तान एंड आईएसआई एंड चाइनीज आर ओवर टाइम एक्टिव, नाउ वी हैव टू सी हाउ टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट। मैं ही नहीं कर रहा, दुनिया के लफड़ों में पड़ो पर अपना इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करो। क्या कर रहे हैं हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए? मतलब आप देखिए ना, अगर हमने फिर कुछ नहीं किया, कल को श्रीलंका से भी कोई खड़ा हो जाएगा, कल को भूटान से भी कोई खड़ा हो जाएगा, और कल को मालदीव से भी कोई खड़ा हो जाएगा। कह रहे यार ये तो कुछ नहीं करते, तो बस बोलते बोलते, तो कहते ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं, भारत क्या करेगा, भारत तो बोलेगा हमने अपनी फौज डिप्लॉय कर ली, बात खत्म। पर भारत की मतलब आप लिटरली, आप यू विल लिटरली फिंगर इंडिया, इंडिया विल नॉट डू एनीथिंग। तो मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना, अब हम क्या करेंगे सर, लोग आ रहे हैं बॉर्डर पे, व्हाट टू डू? लेकिन हाँ, अगर इंडिया के साथ हमारे हालात खराब होते हैं तो देन इसराइल जंप कर सकता है, और इसराइल बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस, सर्वेलेंस, ड्रोन्स, बहुत कुछ इंडिया को दे सकता है, और वो हम इंडिया की हेल्प भी कर सकता है इन एवरीथिंग। लेकिन फॉर अ मोमेंट ईरान पे अगर कोई लड़ाई होती है इसराइल की, तो मैं नहीं समझता कि इसराइलीज उसमें जंप इन करेंगे और पाकिस्तान पे को टारगेट करेंगे, बिकॉज अमेरिकन बड़ी अच्छी तरीके समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इस तरह इसराइल के हवाले से हमारी की सोच है, ना ईरान को और इसराइल के मामले में हम इंटरफेयर करते हैं, और अगर हाँ भारत के साथ वो पाकिस्तान का होता है तो मेरा ख्याल है इसराइल जरूर उसमें इंटरफेयर करेगा, और उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान की लीडरशिप से आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप देखिए कुछ समय पहले की ये खबर थी कि इसराइल ने तुर्की के राष्ट्रपति को धमकी दी थी कि बहुत बुरा अंजाम करेंगे, कुछ किसी का एग्जाम्पल लेकर दिया था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि राष्ट्रपति को सीधा सीधा एलिमिनेट करने की धमकी देने वाला इसराइल, उसने कहा था कि पहले देखिए इसी तरह की बातें वो कर रहा था जैसे पाकिस्तान कर रहा ना, हम आपको मिसालें दे देंगे इसी तरह की तुर्की, क्योंकि इनको इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना है, तो उन्होंने भी कहा था कि इसराइल के ऊपर हम हमला कर देंगे, तो उन्होंने यही कहा था कि तुर्की के अंदर घुसकर तुझे पेल देंगे, सीधा सीधा भाषा में बोल रहा हूँ, मतलब इसी तरह से उन्होंने बात कही थी कि हमला तो बाद में करोगे, वही बहुत बुरा अंजाम करेंगे। तो देखिए इसराइल की ये नीति है, यदि आप सांप आसपास है तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए, वरना डसने के चांसेस बहुत हैं। और स्वाभाविक है, पाकिस्तान, तुर्की, ये जैसे देश, ईरान, ये जैसे देश इसराइल के लिए हमेशा खतरा बनते आए हैं, तो वो इन्हें ख़त्म करता रहता है। और देखिए उनके प्रॉक्सीज को, अब आप देखिए हमास को उसे मौका नहीं मिल रहा था, पहले छोटे मोटे हमले होते थे, बड़ा हमला हमास ने किया तो हमास को उन्होंने साफ कर दिया, गाजा पट्टी पूरी तरह से खंडर बना दिया है। तो रही बात पाकिस्तान और ईरान की, अब देखिए ईरान भी जानता है कि डायरेक्ट अगर इसराइल से लड़ेंगे तो जो गाजा पट्टी का हाल हुआ है वही ईरान का हो जाएगा, तो ये बात वो जानते हैं, इसलिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं। ईरान सीधा सीधा हमला नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी इतनी अकल नहीं है, वो
ईरान को मिसालें देने की बात कर रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ईरान को अगर इन्होंने मिसाल देने की गलती की तो इसराइल की वायुसेना जो ईरान तक पहुंच सकती है वो पाकिस्तान तक पहुंचने में उतना उसे कितना समय लगेगा, और उसके पास ऐसे ऐसे फाइटर जेट हैं कि वो कब आएंगे और कब पाकिस्तान में बमबारी करेंगे और कब चले जाएंगे, पाकिस्तानियों को हवा तक नहीं लगेगी। लेकिन क्या है कि मुँह चलाने में क्या जाता है, और सीधी सी बात है जो व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता हो, उसकी क्वालिटी ना हो सरपंच बनने की, उसे आप इतने बड़े बड़े पदों पर बिठाओगे तो फिर वो इसी तरह की बातें करेगा।